हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम रहने जा रहे हैं चने दाल के वड़े। इसके लिए हमें 1.5 किलो चने दाल लेके अच्छे से 2 से 3 टाइम धो के इसको कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए भिगा कर रख ली हूँ। अभी हम इसको पीस लेंगे। इसका पानी अच्छे से निकाल के हम एक जार में ऐड कर लेंगे इसको। ठीक है, थोड़ी थोड़ी दाल डाल के पीस लेंगे। इसमें हम कम से कम 6 से 7 हरी मिर्ची ऐड करके इसको पीस लेंगे। बस 1 से 2 स्पून पानी डाल के पीस लेंगे, ज्यादा पानी नहीं डालना है आपको। इस तरह सा पीस ली हूँ मैं इसको। जितनी भी दाल है इसी तरह से पीस के निकाल लेंगे। इसमें कुछ भी पानी नहीं डाली हूँ मैं, इसी तरह से पीस ली हूँ। देखिए दोस्तों, मैं इस तरह से पीस ली हूँ सारा। जितनी भी दाल थी इस तरह से पीस के रख ली हूँ। इसमें मिर्च भी डाल के पीस ली हूँ मैं। अभी हम मसाले बता देती हूँ। 4 मीडियम साइज के प्याज लेके इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर ली हूँ। 1 मुट्ठी भर धनिया पत्ता, 1 मुट्ठी भर पुदीना, थोड़ा 4 से 5 करी पत्ते लेके इस तरह से कट करके रख ली हूँ। 1-2 पिंच बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा है, ये सोडा ऐड कर देंगे पहले। इसके बाद ये हरे मसाले, प्याज सब ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद 1 स्पून चावल काटा ली हूँ मैं। ये डालने से थोड़ा कड़क थोड़ा क्रिस्पी बनेंगे, इसलिए 1 स्पून डाल रही हूँ। 1/2 स्पून गरम मसाला, 1/2 स्पून हल्दी। इसके बाद इसमें 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा। इसके बाद नमक 1 स्पून डाल रही हूँ मैं। आपके टेस्ट के हिसाब से नमक कम या ज्यादा कर सकते हो। ये सारे चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ मैं। अभी हम इतने इतने से इसके बॉल्स बना के देखिए इस तरह से हाथ पे रख के इस तरह से प्रेस कर लेंगे। देखिए तेल गरम होने के लिए रख चुकी थी मैं। इस तरह से बना रही हूँ ना, ये सारे इस तरह से बना बना के एक एक डालते जाएंगे। देखिए जितने बड़े होना उतने आपके साइज, छोटे या बड़े आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। देखिए आसानी से इस तरह से बना के डालते जाएंगे। सारे इसी तरह से बना के डाल दूंगी मैं। देखिए एक साइड से ब्राउन हो गए हैं, दूसरी साइड भी हम पलट लेंगे। हल्के लाइट ब्राउन होने तक तल लेंगे दोनों साइड से हम। देखिए हल्के लाइट ब्राउन हो गए हैं, बस इसी तरह से तल लेंगे हम, निकाल लेंगे अभी इसको। इतना ही तलना है। जितने भी थे सारे इसी तरह से तल के मैं निकाल रही हूँ। अभी हम इसको सर्व कर लेंगे। तो मैं केचप के साथ सर्व कर चुकी हूँ। आप चाहे तो ग्रीन चटनी के साथ भी इसको खा सकते हो। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।